हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किसी भी पेड़ के ऊपर आप एयर लेयरिंग कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उसके लिए जो हमारी सॉइल मिक्स है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सॉइल मिक्स में आपको जो हम आप अपनी जो गार्डनिंग सॉइल आती है वो नहीं लेनी है बिल्कुल भी। हमें जो सॉइल मिक्स में यूज़ करनी है उसमें 30% जो हमारा कंपोस्ट आता है वो, या आप गोबर खाद भी ले सकते हो, और 30% हमारा जो ये आती है बजरी जो आती है सैंड वो लेंगे, और 30% दोस्तों कोकोपीट लेंगे। दोस्तों, हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, एयर लेयरिंग जो होती है वो आप किसी भी पेड़ के ऊपर कर सकते हो ज़्यादातर। तो दोस्तों, एयर लेयरिंग का जो फ़ायदा होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा। आप पूरा वीडियो दोस्तों एंड तक देखा कीजिए, मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, मिक्सर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें जो है उस मिक्सचर को एक पॉलीथीन में या प्लास्टिक की थैली ले सकते हो। दोस्तों, प्लास्टिक की थैली जो साफ़ होनी चाहिए, हम उसमें इस मिक्सचर को फिल कर लेंगे और इसे ऊपर से जो है पैक कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये मेरा एक पिलखन का ट्री है जो मैंने नर्सरी से परचेस किया था। दोस्तों, इसकी जो हाइट है वो बहुत बड़ी हाइट है दोस्तों। अगर मैं इसे डायरेक्टली कट करता हूँ बीच में से तो इसके जो ग्रो होने के चांसेस है कटिंग के थ्रू वो थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों आपको जो एयर लेडिंग करनी चाहिए ट्रीज़ पे, क्योंकि एयर लेडिंग जो है बहुत ईजी होती है और उसमें आपकी जो कटिंग से आप जब लगाते हो किसी कटिंग को तो उसकी जो और सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। एयर लेयरिंग में दोस्तों वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इसकी हाइट जो है अभी कम समथिंग समथिंग 3 से 3.5 फुट है। तो इसे अगर मैं बीच में से बॉन्साई के लिए अगर कट करता हूँ तो दोस्तों इसकी जो ऊपर का जो पार्ट है वो मुझे एज अ कटिंग ग्रो करना पड़ता, लेकिन मैं इसमें एयर लेयरिंग करके दोस्तों इसे ईजिली तरीके से जो है ग्रो कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसके एकदम सेंटर में जो है नीचे से मैंने 1-1.5 फुट जो है दोस्तों छोड़ दी है जगह, और इसके बिल्कुल सेंटर में जो मैंने ये जैसे आप वीडियो में देख सकते हो कट लगाया है दो, जिससे कि हम जो इसके ऊपर की बाग जो आती है जिसे हम हिंदी में खाल कहते हैं वो निकाल सकें और जहाँ पे हम इसे एयर लेयर कर सकें। जैसे दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो, आपको भी इसी तरह से जो आपकी ट्री के ऊपर की जो खाल आती है बार्क आता है वो रिमूव करना है। ये काम दोस्तों थोड़ा धीरे संभल के करना है, क्योंकि ट्री को जो ज़्यादा आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है जिसे आप वीडियो में देख ही सकते हो, वैसे आपको धीरे धीरे करना है। तो दोस्तों, अभी मैंने जो उसके ऊपर की खाल जो थी वो निकाल ली है। अब मैं इसके ऊपर किसी भी चीज़ से इसके ऊपर एक बार ऐसे रब कर सकते हो जिससे कि यहाँ से रूटिंग स्टार्ट होने में से इजीली रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो सके। दोस्तों, अब हम जो हमारी वो जो थैली थी जिसमें हमने वो मिक्सचर रखा था सॉइल का वो लेके उसके जो सेंटर में है एक लाइन लाइन में कट कर लेंगे, जिससे कि जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे वो उसे फिक्स कर सके हम। तो जैसे दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा है,
सेम टू सेम आप भी वैसे ही कीजिए, बहुत इजी है दोस्तों। बस दोस्तों आप इसका ख्याल रखना कि जो कट है वो पूरी तरह से जो है हमारी जो सॉइल मिक्स है उसके अंदर वो छिप जाए, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा हो दोस्तों। और फिर हम इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों, धागे का भी कर सकते हो, हमारी जो टेप आती है उसका भी आप दोस्तों यूज़ कर सकते हो। अच्छे से दोस्तों एकदम टाइटली आपको जो उसे पैक करना है, जिससे कि उसके अंदर जो है हवा ना जा सके। आपको इसे एकदम एयर टाइट बनाना है दोस्तों। अगर इसके अंदर एयर चली जाती है तो इसे फंगस लगने के चांसेस होते हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके अंदर जो है एयर पास ना हो सके। दोस्तों आपको जो आपकी एयर लेयरिंग जैसे अब कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट ना आती हो दोस्तों। इसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़नी देनी है, नहीं तो इसमें जो है मॉइस्चराइज़र जो है वो ख़त्म होने लगेगा और इसके अंदर हीट हीट जो है वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि इसमें फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगी और हमारी जो जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से उसे वो गलाना स्टार्ट कर देगी दोस्तों। इसका ध्यान रखना है। और अगर हो सके दोस्तों तो हमारा जो एल्युमिनियम जो फॉइल आता है उससे भी आप इसे कवर कर सकते हो, या किसी काले कलर के कपड़े से आप इसे अच्छे से कवर करके रख सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको अब इसमें वाटरिंग कैसे करनी है वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वाटरिंग के लिए जो हमें मैं जो है इंजेक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि वाटरिंग के लिए आप इसे पूरे को वापस खोल नहीं सकते हो। तो इंजेक्शन आपको एक इंजेक्शन लेना है, उसमें जो है वाटर भरना है दोस्तों इंजेक्शन में, और फिर जो है वाटर आपको इसके अंदर जो है वो छोड़ देना है दोस्तों। बहुत इजी दोस्तों। आप पहले दोस्तों लेकिन आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप पहले देख लिया कीजिए कि इसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं। अगर मॉइस्चर ना हो या मॉइस्चर कम हो तो आपको इसमें वाटरिंग करनी है, नहीं तो दोस्तों इसको कम से कम 2, 3 या 4 दिन के बाद देखना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें मॉइस्चर नहीं है तो आप इसमें वाटरिंग कीजिए, अगर इसमें मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना कीजिए। ओवर वाटरिंग से जो इसमें रूट की जो फॉर्मेशन हो रही होती है वो गलना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसे जो है मतलब 10 से 15 दिन हो चुके हैं और इसमें जो आप देख सकते हो इसमें रूट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है बहुत अच्छी। दोस्तों इसे आज 20 से 25 दिन पूरे हो चुके हैं एयर लेडिंग किए हुए। देखिए दोस्तों इसमें जो रूट्स है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही है। तो इसे दोस्तों अब हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने इसे जो है नीचे से कट कर लिया है। तो दोस्तों इस काम को आपको बहुत धीरे धीरे करना है, जिससे कि आपकी जो रूट्स है वो डैमेज ना हो सके। और ये देखिए दोस्तों अब ये जो है एकदम परफेक्ट बॉन्साई के लिए मेरे पास एक पेड़ से मैंने 2 पेड़ रेडी कर लिया है। दोनों पेड़ मेरे एकदम बॉन्साई के लिए एकदम रेडी है। इसका जो आप ट्रंक देख सकते हो, दोनों का जो ट्रंक है वो बहुत अच्छे हैं। और हमारी जो फर्स्ट एयर लेयरिंग थी दोस्तों ये मेरी एकदम सक्सेसफुल रही है।
मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला है। दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप ज़रूर डिसलाइक बटन प्रेस कीजिए। और अगर दोस्तों आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।